हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम क्रिएट करेंगे पार्टी मेकअप लुक। ये मेरा फाइनल मेकअप लुक है, तो चलिए ये मेकअप को क्रिएट करते हैं। फर्स्ट मैं क्लिंजिंग करूँगी। फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी रहता है, इसके लिए फर्स्ट क्लिंजिंग करेंगे। सेकेंड ये है टोनर, कुकुम्बर का टोनर है। सेकेंड कुकुम्बर टोनर मैंने अप्लाई किया, उसको थोड़े टाइम ड्राई होने दूंगी। उसके बाद मैं निविया सॉफ्ट का मॉइस्चराइज़र लिया है, इसको अप्लाई करूंगी। फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है, और अभी तो विंटर चल रहा है, तो विंटर में तो कंपलसरी आपको मॉइस्चराइज करना है। अगर आप फेस को हाइड्रेट नहीं करोगे तो मेकअप केकी और पैची लगेगा, तो इसके लिए आपको मॉइस्चराइज़र अच्छे से करना है। तो अभी मेरा मॉइस्चराइज़र पूरा ऑब्जर्व हो चुका है, तो देख सकते हो आप मॉइस्चराइज़र कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं। अभी मैं लिप बाम लगाऊंगी लिप पे, क्योंकि लिप भी बहुत ड्राई ड्राई रहता है विंटर में, तो उसको भी लगा के छोड़ दूंगी जब तक वो सॉफ्ट हो जाएगा। अभी ये है प्राइमर, स्विस ब्यूटी का है, हाईली हाईली रिकमेंड करती हूँ मैं। ये बहुत ही अच्छा है, आप आँख बंद करके ले सकते हो इसको। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप देख सकते हो मेरे फेस पर कितना अच्छा ग्लो और शाइन आ गया है, बहुत ही अच्छा है ये। और ये है लैक्मे 925 का मूस फाउंडेशन है, ये एकदम माइल्ड रहता है, एकदम माइल्ड। इस फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो, ब्रश से भी लगा सकते हो, जो आपको इजी लगता है आप उससे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा लगता है और एकदम अच्छे से फिनिश आता है, तो अभी मैं उससे अप्लाई कर लेती हूँ अच्छे से फाउंडेशन को। अब मैं आईब्रो पाउडर है ये, इसको आईब्रो में अप्लाई करूँगी। जो मेरा नेचुरल शेप है मैं वही मेंटेन कर रही हूँ, कोई अलग से शेप नहीं दे रही हूँ। तो अभी मैं दोनों आईब्रो को शेप दे देती हूँ, अच्छे से फिल कर देती हूँ। आईब्रो डन। नेक्स्ट आई शेडो, अभी मैंने लाइट ग्रे कलर लिया है, और उसको मैं क्रीज लाइन जो है उसको मेंटेन कर रही हूँ, क्रीज लाइन को। और ये है ब्लैक कलर, थोड़ा ब्लैक कलर अप्लाई करूँगी मैं, क्योंकि ड्रेस ब्लैक है तो थोड़ा ब्लैक कलर तो बनता है, इसके लिए मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो अप्लाई किया है। मेरे आई शेडो ब्रश जो थे वो सब पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहा है, तो फ़िलहाल अभी एक ही ब्रश मिला है उसी से मैं काम चला रही हूँ। इससे इतना अच्छा बन नहीं रहा है लेकिन काम कर सकते हैं। तो अभी मैं आई शेडो अपना अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। ये थोड़ा डार्क मैरूनिस कलर में मैंने लिया है, उसको ऊपर से जो कट क्रीज था कट क्रीज के ऊपर मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। अभी मैं थोड़ा सा ये गोल्डन कलर का ये था हाइलाइटर पाउडर बेस में था, तो इसको मैंने जो ब्लैक आई शेडो लगाया है उसके ऊपर अप्लाई किया है, लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट आया नहीं उसका, नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। ये आई लैसेस मैंने लगा दिए हैं, अब लगाऊंगी लाइनर। लाइनर नॉर्मल ही अप्लाई कर रही हूँ, कोई विंग वगैरह नहीं क्रिएट कर रही हूँ विंग्स वगैरह, तो जो नॉर्मल लाइनर लगाते हैं वैसे ही मैं दोनों आँखों में लगा लेती हूँ। जो आईलेसेस थे फेक आईलेसेस वो भी मेरे पुराने थे, वो एक बार मैंने लगाया था
तो उसको ही रखे थे, वापस अभी मैंने लगा लिया है। तो अब भी लगाएंगे ब्लश, ये मेरा फेवरेट है। मतलब मेकअप में मुझे ये ज़्यादा पसंद आता है ब्लश, तो अभी ब्लश लगा लेते हैं। ब्लश लगाने के बाद चेहरा अलग ही दिखता है, एकदम पिंकिस पिंकिस लगने लगता है। तो नेक्स्ट है, ये है हाइलाइटर, ये भी मेरा फेवरेट है, ब्लश और हाइलाइटर। वाओ कितना अच्छा ग्लो आ गया हाइलाइटर लगाने से, हाईली रिकमेंडेड। मैबलिन का है ये हाइलाइटर, बहुत ही अच्छा है, एकदम क्या बताऊँ मैं, कि एक टच लग करोगे ना हाइलाइटर का तो आपका रिजल्ट दिख जाएगा, इतना अच्छा है ये हाइलाइटर। तो अभी मैं आईब्रो के ऊपर भी, आईबोन पे भी थोड़ा ये लगा लेती हूँ हाइलाइटर। और जो जो हाइलाइट चिक पे है, नोज़ पे है, लिप्स पे है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा हाइलाइट कर लेती हूँ। और ये है मेकअप फिक्सर, ये भी स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है, ये अच्छा है, इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे, कितना अच्छा लग रहा है। अभी नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा, ये मस्कारा भी मैबलिन का है, मैबलिन का मस्कारा बहुत अच्छा है। और ये है NYV का लिपस्टिक, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत ही क्रीमी क्रीमी है, मुझे मैट ज़्यादा पसंद है, कोई बात नहीं, कभी कभी क्रीमी भी लगाना चाहिए। तो ये मैंने अभी क्रीमी लिपस्टिक अप्लाई किया है और देखो कैसा लग रहा है। अभी काजल, ये है फेस कैनेडा का काजल, बहुत ही अच्छा है, एकदम क्रीमी काजल है, एक ही स्ट्रोक में अप्लाई करो, एकदम डार्क कलर आता है। और ये थोड़ा जो आई शेडो मैंने अप्लाई किया था उसका थोड़ा नीचे अप्लाई किया, ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा फाइनल लुक, आई होप अच्छा लगा होगा आप लोग को मेरा फाइनल लुक। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, रुको 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 बेल आइकन को तो प्रेस करके जाना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो कैसे पता चलेगा आपको मैंने क्या वीडियो अपलोड किया है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखना, ओके बाय।